हेलो गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू ग्रेड अप नीट प्लेटफॉर्म हाउ आर यू कैसे हैं सभी बच्चे आई यू ऑल रेडी फॉर टू क्लास फटाफट फटाफट से आ जाओ क्लास जो है आपकी शुरू होने वाली है दिस इज गोइंग टू बी अ स्पेशल क्लास जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज होप यू ऑल आर रेडी फॉर टू क्लास फटाफट से आ जाइए सभी बच्चे लेट मी सी हु ऑल आर य कौन कौन बच्चे आ गए हैं फटाफट से अपना अपना अटेंडेंस मार्क कर दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के एज यू ऑल नो कितने इंपॉर्टेंट है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन राइट टूगैदर विद एन सी आर टी इजेंटेड फटाफट से आ जाइए फटाफट से लाइक कर दीजिए सेशन को शेयर कर दीजिए सेशन को एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ग्रेडअप नीट चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सो लेट्स सी हेलो पलक सचिन सुप्रिया मुकेश अजीम निलिमा दुष्यंत गुड आफ्टरनून एवरी वन यस आई एम परफेक्टली फ़ाइन हेलो रुशी हेलो शहाना गुड आफ्टरनून एवरी वन फ़टाफट से अपने फ्रेंड्स को बुला लो यार शेयर कर दो इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ में कुछ ही टाइम में हम सेशन स्टार्ट करेंगे फटाफट से आ जाइए हेलो सुप्रिया गुड आफ्टरनून बच्चों एंड लाइक करते जाओ सेशन को जल्दी से लाइक भी कर दो सेशन को हेलो चुलबुल बबली हेलो एंकी सो वॉट वी आर गोइंग टू डू टूडे इज बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईयर क्वेश्चन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के ओके होप यू ऑल आर रेडी हेलो एंकी कर दिया वेरी गुड वेरी गुड शेयर कर दिया अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दो बच्चा हेलो आसना नूरीन अमित राजेश प्रगना गुड आफ्टरनून एवरी वन तो बैठ जाइए आप सब अपनी एन सी आर अपने नोट्स लेके अपने जो है पेन पेंसिल जो भी आप यूज करते हो हाईलाइटर्स वगैरह सब लेके हेलो अफजल हेलो श्रुति श्रुतिया नए बच्चे प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब रेड अप नीड चैनल ओके जैसे आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के वैसे कल भी हम डिस्कस करेंगे टॉपिक होगा एवोल्यूशन ओके कल हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड उसके बाद नेक्स्ट डे होगा मेन्टी सेशन ओके हेलो अरमान कमल हेलो श्रुति गुड आफ्टरनून पलक हेलो नौशीन अंजलि अजीम फर्स्ट डे एंकी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों ग्रेड अप नीट चैनल को एंड होप यू विल एंजॉय दिस सेशन ठीक है क्वेश्चन हम यहाँ स्क्रीन पे डिस्कस करेंगे और आपको जो है आंसर देना है चैट बॉक्स में यू आर गोइंग टू आंसर मी ऑन द चैट बॉक्स और आपको कैलकुलेट करते जाना है अपने मार्क्स भी हेलो प्रगना हेलो कुलदीप हेलो अरमानदीप नाइट किंग गेमर अवकेश श्रुति कुलदीप आरिफ रेडी 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 लाइक डन शेयर वेरी गुड ऋषि तो चलिए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन होप यू ऑल आर रेडी हेलो राजेश अवकेश आरिफ चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर वन ऑन योर स्क्रीन सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजर क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर लेंगे ठीक है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे और अगर किसी का आंसर आपको नहीं बनता है प्लीज मेक श्योर आप उसको लिख लो अपने एरर फाइल में क्योंकि बच्चों रिविजन इज मस्ट राइट रिविजन इज मस्ट हेलो अंजलि हेलो दिव्या हेलो साहिल तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफाई द रोंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी ठीक है क्वेश्चन नंबर वन आप सभी के सामने है आपको बताना है रॉन्ग स्टेटमेंट याद रखो मैं बार बार बोलती हूँ जब भी एग्जाम में आपको रॉन्ग दिखता है करेक्ट दिखता है इनकरेक्ट दिखता है उसको मार्क कर लेने का है ना मार्क करने से क्या होगा बच्चों मार्क करने से क्या होगा आप गलत नहीं करोगे जब आप ऑप्शन पढ़ोगे राइट तो चलिए बताओ क्या है करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर वन अरे वाह 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 वा वा। याद रखो जो गलत आंसर करेगा उसको मुर्गा भी बनना पड़ेगा ठीक है मैम की क्लास में जो मिस्टेक करता है वो मुर्गा बनता है ताकि वो क्वेश्चन कभी ना भूले तो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए बच्चों ए दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव्स फुल रिस्पॉन्स नहीं बच्चों एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो होगा स्लो तो so सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं क्या होता है एक्टिव इम्यूनिटी याद है एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है बच्चों ठीक है जब कोई भी पैथोजन या एंटीजन आपके बॉडी में एंटर करता है उसके खिलाफ जब आपका बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करता है उस टाइम पे एंड दैट इज़ एक्टिव इम्यूनिटी ओके एक्टिव इम्यूनिटी के बाद आता है पैसिव इम्यूनिटी बच्चों पैसिव इम्यूनिटी क्या है याद करो पैसिव इम्यूनिटी में जब प्री प्रीफॉर्म एंटीबॉडी आपके बॉडी में एंटर करते हैं चाहे नेचुरली या चाहे आर्टिफिशियली उसे बोला जाता है पैसिव इम्यूनिटी तो एक्टिव इम्यूनिटी बच्चा एंटीजन जो है एंटर करेगा या पैथोजन एंटर करेगा आपके बॉडी में फिर आपका बॉडी उसको रिकोगनाइज करेगा और फिर वो बनाएगा एंटीबॉडीज उसके खिलाफ तो उसमें लगेगा टाइम सो इट इज़ नॉट एट ऑल अ क्विक रिस्पॉन्स अंडरस्ट नाउ नेक्स्ट देखो सेकंड स्टेटमेंट फीटस रिसीव सब एंटीबॉडीज फ्राम मदर बिल्कुल सही और यह है पैसिव इम्यूनिटी बिल्कुल सही तो कौन सा एंटीबॉडी जो है मदर देती है प्लेसेंटा के थ्रू अपने फीटस को बच्चों आई जी जी राइट वेन एक्सपोज टू एंटीजन लिविंग और डेड एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूसड बाय होस्ट बॉडी यह है डेफिनेशन एक्टिव इम्यूनिटी का और जब बने बनाए एंटीबॉडी आपके बॉडी में डायरेक्टली चले जाते हैं तो उसे बोला जाता है पैसिव इम्यूनिटी राइट यस, एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो स्लो वर्क करता है वेरी गुड वेरी गुड एवरी तो यहाँ पर आप देखो इम्यूनिटी दो तरह की होती है एक्वायर्ड और इट एक्वायर्ड मतलब जो आप डेवलप करते हो अपने लाइफ में जब आप एक्सपोज होते हो अलग अलग पैथोजन से और इन इम्यूनिटी बच्चों होती है वि जो होती है आपकी सिंस बर्थ सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्टिव भी हो सकती है पैसिव भी हो सकती है एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल भी हो सकती है एंड आर्टिफिशियल भी हो सकती है सिमिलरली पैसिव इम्यूनिटी भी होती है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल राइट समझ गए सभी बच्चे हेलो uh, नाजिया परवीन समझ गए ना तो so, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लास्मोडियम दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी इन्फेक्शियस स्टेज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बार बार पूछा जाता है ये सभी को पता होना चाहिए और जिसको नहीं पता है जिसको नहीं पता है वो बन जाएगा मुर्गा और निकलेगा इसको अपने अरहर फाइल में तो बेसिकली बच्चों इन्फेक्शियस स्टेज प्लासमोडियम के कौन सी होगी जो ह्यूमन्स में एंटर करेगी फ़ीमेल गैमिटोसाइट मेल गैमिटोसाइट ट्रोफोजॉइट या स्पोरोजॉइट सिंपल सिंपल क्वेश्चन गुड आफ्टरनून प्रीति अरे वाह वेरी गुड हाँ प्रज्ञा प्रगना को बनना है जरा मुर्गा मैं देखते जा रही हूँ आप सबके कमेंट्स क्या जो भी गलत आंसर कर रहा है वो भी मुझे पता चल रहा है सो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों डी दैट इज दैट इज स्पोरोज़ॉइड, सो बेसिकली बच्चों स्पोरोजॉइड जो है वो इन्फेक्टिव स्टेजस प्लास्मोडियम का जो स्टोर होता है इन द इन द सलाइवरी ग्लैंड्स इन द सलाइवरी ग्लैंड बहुत ही सिंपल वे में हम देखेंगे ऑफ मॉस्किटो मॉस्किटो कौन सा फीमेल एनोफिलिस तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर होता है स्पोरोजॉइड्स और ये स्पोरोजॉइड्स वो इंजेक्ट कर देता है किसी भी पर्सन के बॉडी में वेल हैविंग ब्लड मील वेरी गुड यस मुर्गी या मुर्गा मुर्गी या मुर्गा राइट सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री ऑन योर स्क्रीन बच्चों ओके स्टेज स्टेज बच्चा होता है इन फीमेल किसी भी पर्सन के दैट इज मैन के ब्लड में मैन के ब्लड में जो आरबीसी होता है उसके अंदर जो स्टेज होता है दैट इज नोन एज स्ट्रोफोजॉइड स्टेज ओके इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा होता है स्पोरोजॉइट फाइन तो चले क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं मैच द फॉलोइंग डिजीजेस विद द दॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन तो टाइफॉइड निमोनिया फिलरियासिस मलेरिया बूचेरिया प्लास्मोडियम साल्मोनेला एंड हीमोफिलिस ओके चलो बता दो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर थ्री ओके सो एवरीबॉडी इज एवरीबॉडी इज देखते हैं क्या है करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री का करेक्ट ऑप्शन है बच्चों डी ठीक है सो लेट्स सी टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम न्यूमोनिया इज कॉज बाय हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया फिलैरियाज इज कॉज्ड बाय वुरिया एंड मलेरिया इज कॉज बाय प्लाज्मोडियम विच इज अ प्रोटोजोआ तो ये भी आपको याद करते जाना है बच्चों अ राउंड वॉ प्लास्मोडियम इज ए प्रोटोजो बैक्टीरिया राइट राइट एवरी वन नो कन्फ्यूजन ना आई थिंक दैट इज नो कन्फ्यूजन वेरी गुड एवरीबडी तो मुझे रॉन्ग आंसर तो किसी का दिख नहीं रहा है a, and right? Right, no nah? no good, yes, राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं थैंक यू अनमोल एंड सेम टू यू हैट्रिक लग गई वेरी गुड दुष्यंत चलो बच्चों यस yes, 2011 का क्वेश्चन वेरी गुड मुकेश यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर फोर पे आ जाते हैं बच्चों मैच ईच डिजीज विथ इट्स करेक्ट टाइप ऑफ वैक्सीन तो किस तरह का वैक्सीन है ट्यूबर का ओके वूपिंग कफ का जिथीरिया का एंड पोलियो का आपको मैच करना है जल्दी से बता दो फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा वेदर इट इज ए वेदर इट इज बी वेदर इट इज सी एंड वेदर इट इज डी साथ साथ में सभी बच्चे लाइक करते जाएंगे शेयर करते जाएंगे अभी भी टाइम है आप बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हो एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, हो आप अप नीट चैनल को फॉर ऑल द अपडेट्स है ना बहुत सारे अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपके लिए आते हैं प्रिविजर क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं हम एनसीआर बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं साथ ही हम एनसीआर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ते हैं फ्लो चार्ट मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ सो डोंट फॉर गेट टू सब्सक्राइब रेडअ न्यू चैनल यू डोंट नो मिल जाएगा पता चल जाएगा देखो बच्चों करेक्ट ऑप्शन क्या है करेक्ट ऑप्शन है सी ठीक करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों सी ट्यूबर क्लोसिस ट्यूबरकलॉसिस का जो वैक्सीन है ना दैट इज बी सी जी वैक्सीन इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों बेसिलस कालमेट गुएरिन तो बी सी जी वैक्सीन जो ट्यूबर क्लॉसिस का वैक्सीन है उसमें क्या होता है हार्मलेस बैक्टीरिया होता है क्या होता है हार्मलेस बैक्टीरिया वूपिंग कफ जिसे बोला जाता है काली खांसी या पर्ट्यूसिस तो उसके लिए जो वैक्सीन होता है ना वो कैसा होता है उसमें होता है किल्ड बैक्टीरिया होता है डिप्टीरिया डिपथीरिया का वैक्सीन में होता है इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन एंड पोलियो का जो वैक्सीन होता है उसमें होता है बच्चों हार्मलेस वायरस तो करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सी अंडरस्टूड एवरी तो चलो मुर्गा और मुर्गी बन जाओ जिनको नहीं पता था उससे क्या होगा उससे आपको याद रहेगा ये क्वेश्चन सिंस इट इज़ अ प्रोविसर क्वेश्चन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट आपको याद रखना है तो जिसका भी गलत हो गया फटाफट से मुर्गा मुर्गी बन जाओ ठीक <laughs> है समझ गए ना अभी क्या होगा करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अरे वाह एसर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन आ गया है एसर्शन क्या है हिस्टामिन हिस्टामिन कहाँ से रिलीज होता है याद करो हिस्टामिन कहाँ से रिलीज होगा जल्दी बताओ मुझे सेल्स बताओ जो रिलीज करते हैं हिस्टामिन जल्दी बताओ हिस्टामिन इज़ रिलेटेड टू एलर्जिक एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हिस्टामिन बेजोडाइलेटर तो एसर्शन सही है रीज़न सही है या गलत है और रीज़न क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का ये एम्स का प्रोवेसर क्वेश्चन है चलिए बता दीजिए देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब देते हैं वेरी गुड मास्ट सेल वेरी नाइस वेरी नाइस एक और सेल बताओ वेरी गुड एक और सेल बताओ जो रिलीज करता है स्टामिन जल्दी बताओ अरे वाह वेरी गुड साहिल हिस्टामिन इन इज रिलीज बाई बेसोफिल्स एज वेल वेरी गुड यस दिनेश वेरी गुड अजीम काफी सारे बच्चों ने करेक्ट जवाब दिया है अमित नौशीन वेरी गुड नेक्स्ट इज बेसोफिल तो ये दोनों सेल्स क्या रिलीज करेंगे हिस्टामिन चलो अब इसका आंसर बता दो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ए हिस्टामिन इज़ रिलेटेड टू यस एलर्जिक एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन और हिस्टामिन है वेजो डाइलेटर बच्चों तो एसर्शन एंड रीजन दोनों ही करेक्ट है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का ऐसा क्यों ऐसा क्यों क्योंकि बच्चों एलर्जिक रिएक्शन में और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में क्या होना होता है क्या होना होता है वेजो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड उस एरिया तक पहुंच पाए इजेंटेड आपको याद है ना इन्फ्लामेशन में और एलर्जी में क्या हो जाता है रैशेज़ hmm? हो जाते हैं रैश जो कि रेड दिखते हैं जो कि वॉम होते हैं जो कि हल्के से स्वलन होते हैं तो वो क्यों होगा क्योंकि वहाँ के जो वेसल्स हैं वो हो चुके हैं डायलेट एंड जिसका रीज़न है हिस्टामिन सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए कन्फ्यूजन हो गया होप आपके सारे कन्फ्यूजन अब हो चुके हैं दूर ठीक है चलो जल्दी से जल्दी से जो है मुर्गा बन जाओ और याद रखना है याद रखना है आपको नेक्स्ट टाइम चलो एक और जो है क्वेश्चन आ गया है प्रिविस्टर क्वेश्चन ऑफ एम्स क्वेश्चन नंबर सिक्स एसर्शन एलिस डी एंड मेरी गुआना आर क्लिनिकली यूज एस एनालजिस ओके वेजो डायलेशन का मतलब है बच्चों वेजो वेजो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स ठीक है जैसे कि कैपिलरीज एंड डायलेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन डायमीटर तो जब भी जब भी ब्लड वेसल्स का डायमीटर बढ़ जाता है उसे बोला जाता है वेजो डायलेशन और वो होता है हिस्टामिन के वजह से ठीक है तो मेरी गुआना एंड एल एस डी उसको हम क्लिनिकली एनाल जैसे के फॉर्म में यूज़ करते हैं एनाल जैसे क्या होता है बच्चों पेन किलर पेन किलर ठीक है समझा देती हूँ थोड़ा सा बोथ दीज ड्रग सप्रेस ब्रेन फंक्शन तो एसर्शन रीजन क्या है करेक्ट और क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन चलिए बता दीजिए फटाफट से ध्यान से पढ़ो मेरी गुआना के बारे में तो एन में लिखा हुआ है और वो क्या करता है वो भी लिखा हुआ है है ना तो उससे जो है आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो सो लेट मी टेल यू वट इज द करेक्ट ऑप्शन एंड याद रखो जिसने भी करेक्ट जवाब दिया नहीं दिया है उसको बनना पड़ेगा मुर्गा स्लैश मुर्गी ठीक है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सिंस ये ईयर क्वेश्चन है एम्स का तो ये किसी भी फॉर्म में नीट में पूछा जा, जा सकता है आगे करेक्ट ऑप्शन तो है बच्चों डी वेरी गुड सार्थक सचिन राहुल आई कैन सी मेनी स्टूडेंट्स हैव मार्क्ड इट करेक्टली वेरी नाइस वेरी नाइस nice. और बहुत सारे बच्चों ने तो मिस्टेक किया है मतलब भर भर के अब मुर्गा है मुर्गी बनेंगे बच्चे बच्चे दोनों ही फॉल्स हैं याद करो मेरी गुआना मेरी गुआना जो कि है क्या है कैना क्या है ये कैना बी कैना बी मेरी गुआना चरश हसी हशीश गांजा ये सब क्या है बच्चों ये सब है कैनाबिनोइड जो किससे मिलता है फ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस सेटिवा से और ये क्या है ये है हेलोसिनोजन सिमिलरली एल भी क्या है हेलोसिनोजन ये क्या होते हैं बच्चों हेलोसिनोजन ये क्या करते हैं हेलोसिनेशन कॉज करते हैं राइट हेलोसिनेशन कॉज करते हैं समझो मैं समझा रही हूँ ठीक है मेरी हमें मिलता है कैनाबिनोइड्स ये है कैनाबिनोइ इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं और ये हमें मिलता है कैनाबिसटिवा के इनफ्लोरसेंस से ये हेलोसिनोजन है ठीक है सिमिलरली एलएसडी एलएसडी क्या है ये मिलता है हमें एक फंगाई से यह भी हेलुसिनेशन कॉज करता है एंड इस फंगाई का नाम है क्या क्लेविसिपस परप्यूरा ठीक है आप सभी ने पढ़ा होगा ये बॉटनी में राइट सो अगेन दिस इज रॉन्ग एसर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन भी गलत है बच्चों ये एक्ट करता है ऑन योर कार्डियो वास्कुलर सिस्टम मेरी गुआना की अगर बात करें तो ये आपके कार्डियो वास्कुलर सिस्टम पर एक्ट करता है एंड दिस इज रिटर्न एन एन सी आर टी वेरी गुड चलिए तो एन सी आर टी के लाइन्स देख लो बच्चों केनाबिनोइड्स जो एक्ट करते हैं ऑन द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन ब्रेन इट इज़ ऑप्टेन फ्रॉम केनेबिस सेटिवा ये है वो कैनबिस सेटिवा का पत्ता ठीक है एंड क्या है मिलता है इससे हमें मैरीगुआना, हशीश चरस एंड गांजा ठीक है तो फ्लावर टॉप लीव्स एंड रेसेंस जे जो है इसके इंफ्लोरेसेंस जो है इस प्लांट का इससे हमें ये सारे ड्रग्स मिलते हैं और ये जो है ये इफेक्ट करेगा आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को याद रहेगा ना अभी सभी अच्छा सबके साथ होता है अर्पना कि बेटा जोआलॉजी पढ़ने में मज़ा आता है क्योंकि आप अपने बॉडी के साथ रिलेट कर पाते हो बट बॉटनी में थोड़ा बोर हो जाता है पर बेटा बॉटनी भी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये सोचो ना यार नीट में दोनों का जो है फिफ्टी परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है तो इंटरेस्ट हो या नहीं हो पढ़ना है हमें सारे सब्जेक्ट्स ठीक है समझ गए समझ गए ना आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है टेंथ में भी था ओके वेरी नाइस चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेवन यूज ऑफ एंटी हिस्टामिन एंड एंस्टेरॉय गिव अ क्विक रिलीफ फ्रॉम अगर हम एंटी एंटी हिस्टामिन यूज़ करते हैं एंड एनस्टेरॉयड यूज करते हैं तो हमें क्विक रिलीफ किससे मिलेगा एलर्जी में नौशिया में कफिया हेडेक में बच्चों हिस्टामिन का फंक्शन तो आपको पता है ठीक है एंटी हिस्टामिन का क्या काम है एनस्टिरायड का क्या काम है वो आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेवन वेरी गुड क्वेश्चन ठीक है सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कोविड का जो है सेकेंड वेव स्टार्ट हो चुका है बच्चों बहुत सारे केसेस हो रहे हैं काफ़ी सारे सीरियस केसेस भी हैं हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे हैं सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीवन डोंट स्टेप आउट ओके अच्छा कुछ बच्चे फिजिक्स में बोर हो जाते हैं बॉटनी अच्छा लगता है बट सबके साथ होता है ये सभी बच्चों के साथ में होता है ठीक है आप नए नहीं, नहीं हो सभी के साथ ऐसा होता है कुछ सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं कुछ टॉपिक्स अच्छे लगते हैं कुछ सब्जेक्ट अच्छे नहीं लगते बट याद करो ठीक है याद करो जो कड़वी दवाई होती है वो तो लेनी ही पड़ती है उसी से तो आपकी बीमारी ठीक होती है तो जो सब्जेक्ट पसंद नहीं है उसी को सबसे पहले पढ़ लो मॉर्निंग में जब आप सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो राइट सो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर सेवन इज बच्चों आंसर ए ठीक है सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन एलर्जी जब होता है तब दिया जाता है एंटी हिस्टामिन क्योंकि एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है हिस्टामिन अभी हमने देखा एंड स्टेरॉइड्स दिया जाएगा ठीक है समझ गए सभी बच्चे चलिए क्वेश्चन नंबर एट पे आते हैं यस आई एम प्रेइंग फॉर एवरीबॉडी आई एम प्रेइंग फॉर एवरीबॉडी बच्चों विच एंटीबायोटिक इनहिबिट्स इनहिबिट्स द इंटरेक्शन बिटवीन टी आर एन एंड एम आर एन ए यूजिंग बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस कौन सा एंटीबायोटिक जो है वो इनहिबिट करता है टी आर एन ए और एम आर एन ए का इंटरेक्शन एरिथ्रोमाइसिन न्योमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन या टेट्रा मैं समझ सकती हूँ ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए बट दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड याद रखो बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नीट में करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर एट आंसर्स मुझे कम मिलेंगे कोई बात नहीं कोई भी बात नहीं है बट जब मैं आंसर बताऊँगी उसके बाद आप सभी को याद रखना है सो करेक्ट ऑप्शन है बच्चो डी टेट्रा जो है ये एंटीबायोटिक इनहिबिट करता है इंटरैक्शन बिटवीन टी आर एन एम एम आर एन ए ताकि बैक्टीरिया अपना प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाए एंड अल्टीमेटली ये सप्रेस कर दे या यू कैन से जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन का इन बैक्टीरिया इट्स इट्स द ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन प्रोसेस को बैक्टीरिया का सप्रेस कर देगा एंड बैक्टीरिया का हो जाएगा अल्टीमेटली डेथ चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर नाइन द काजिटिव एजेंट ऑफ मैड मैडका अगेन दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैड डिजीज किससे होता है बैक्टीरिया से प्रायन से बॉम से या वायरस से सबका रोंग सबका का रॉन्ग सब, सब बन जाएंगे अब मुर्गा <laughs> पढ़ा है वेरी गुड आर डी ए बी सी डी ये भी पढ़ा होगा ये भी पढ़ा होगा आपने बच्चों ये भी पढ़ा होगा आपने ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमेशा सारे टीचर्स आपको बोलता है ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ एन सी आर टी बेस्ड क्वेश्चन लगाओ तभी ना सिलेक्शन होगा नीट में सो तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों फॉर क्वेश्चन नंबर नाइन बी दैट इज़ प्रायस क्या होते हैं प्रायउन्स जिसको नहीं पता उन सभी के लिए बता दूं प्रायन्स जो है वो इन्फेक्टिव प्रोटीन्स होते हैं ठीक है थीके? ये क्या करता है ये खुद तो एबनॉर्मल प्रोटीन होता है ये खुद तो एबनॉर्मल प्रोटीन होता है और ये नॉर्मल प्रोटीन को भी एबनॉर्मली फोल्ड करने पे मजबूर कर देता है सो दीज आर एबनॉर्मल प्रोटीन दैट दैट ट्रिगर्स नॉर्मल प्रोटीन्स इन द ब्रेन टू फोल्ड एबनॉर्मली इसमें इसके जो प्रायन्स होते हैं ये डिजीज कॉज कर सकते हैं ह्यूमंस में भी और एनिमल्स में भी एंड एक एग्जाम्पल इसका मैड मैडकाउ डिजीज दो इट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, बट जो है इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है बेटा प्राइन पे तो आपको याद रखना है राइट right? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर टेन पे आ जाते हैं ग्राफ्टेड किडनी में बी रिजेक्टेड इन अ पेशेंट ड्यू टू किडनी ट्रांसप्लांट अगर कर दिया एक बार किसी भी पेशेंट में तो आपका बॉडी उसको क्या करेगा इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा रिजेक्ट करेगा तो आपका इम्यून सिस्टम का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर टिश्यू या ग्राफ्ट रिजेक्शन ये आपको बताना है एंड मुझे लगता है सभी बच्चे ये येस एग्जैम्पलर का था वेरी नाइस nice. और मुझे लगता है सभी बच्चे जो है इसका आंसर करेक्ट देने वाले हैं तो वेदर इट इज़ यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स या चलो, इतने सारे आंसर्स अच्छा, क्वेश्चन <laughs> nice, nice. करा के जाओगे आप सभी को ठीक है सारे क्वेश्चन करके जाओगे आप तो थर्टी क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के सारे प्रोव्यूसर क्वेश्चन हम आज कर लेंगे करेक्ट ऑप्शन इज बच्चों बी क्या है करेक्ट ऑप्शन बी इज सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स दिस इज अ स्टार क्वेश्चन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टिश्यू रिजेक्शन या ग्राफ्ट रिजेक्शन या ग्राफ्टेड किडनी रिजेक्शन ओके वेरी नाइस एवरी वन चलिए क्वेश्चन नंबर इलेवन पे आ जाते हैं कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आज द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इन साइड द ह्यूमन बॉडी इज कैरीड आउट बाय इसलिए मैंने जो है पिछला वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है अभी आपके सामने सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी तो आपने बता दिया बट ये किसकी वजह से होता है बी लिम्फोसाइट के वजह से थ्रोम्बोसाइट के वजह से एरिथ्रोसाइट के वजह से या टी लिम्फोसाइट के वजह से ओके okay. बिल्कुल लेंगे सारांश हम इलेवन से जुआलॉजी फुल सिलेबस मेंटी भी लेंगे बच्चों डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी करेंगे 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 ठीक है चलो बता दो क्वेश्चन नंबर इलेवन वाह सभी को पता है कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हमारे बॉडी में होता है बिकॉज ऑफ टी लिम्फोसाइट वेरी नाइस टी लिम्फोसाइट ओके दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड बी लिम्फोसाइट इस रिलेटेड टू यूमोरल इम्यूनिटी क्योंकि ये रिलीज करता है एंटीबॉडीज कहाँ होता है एंटीबॉडीज ब्लड में वेरी नाइस एवरी वन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ऑन योर स्क्रीन

थैंक्स बेटा आर डी क्या होगा ए बी सी एंड डी आई एम गेटिंग वराइटी ऑफ आंसर्स तो मतलब बच्चे मेरे कन्फ्यूज है तो इसका आंसर जो है मैं आपको बताऊंगी कुछ ही टाइम में फटाफट देख लेती हूँ मैं क्या बच्चे क्या क्या जो है आंसर कर रहे हैं और आपको जो है बनना है मुर्गा मुर्गेन मुर्गेन लिख लेना है इस क्वेश्चन को अपने एरर फाइल में तो बेटा करेक्ट ऑप्शन होगा प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज राइट सो टेटनस का जो वैक्सीन होता है ना बच्चों जब आपको लग जाता है जब आप गिर जाते हो आपको पत्थर से चोट लग जाती है लोहे के जंग लगे किसी कील से चोट लग जाती है तो आप लेते हो टेटनस का वैक्सीन और उस वैक्सीन के अंदर होते हैं बने बनाए एंटीबॉडी सो इट इज़ अ टाइप ऑफ किस टाइप का इम्यूनिटी है बेटा ये है आर्टिफिशियल एक तो है ये आर्टिफिशियल एंड दूसरा क्या है ये पैसिव इम्यूनिटी है क्या है बच्चों पैसिव इम्यूनिटी है याद रहेगा ना सभी को ओके okay? करेक्ट ऑप्शन था बच्चों बी वेरी गुड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन मोटाइल ऑफ प्लास्मोडियम इन तो सबसे पहले तो मोटाइल जाइगोट। मोटाइल मतलब चलने फिरने वाला ठीक है दैट कैन दैट कैन मूव सो मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लास्मोडियम उसका नाम क्या होता है ऊ क्या होता है ऊ और ये कहां होता है गट ऑफ फीमेल एनोफिलस में क्वेश्चन नंबर थर्टीन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बता दो कहाँ होगा मोटाइल सी yes, काफी बच्चे ए बोल रहे हैं बी बोलने वाले बच्चों शाहिद हाँ मुर्गा बनने के लिए तैयार हो जाओ एंड सी बोलने वाला राजू कैन सी सारे जो है कमेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं बच्चों करेक्ट ऑप्शन क्या होगा फॉर क्वेश्चन नंबर थर्टीन इज ए गट ऑफ फीमेल एनोफिल्स ठीक है फीमेल एनोफिलिस जो मॉस्किटो होता है उसके गट में बनता है ये मोटाइल जयगोट दैट इज़ ओ फिर वो जाइगोट जो है वहाँ से पहुंचेगा सलाइवरी ग्लैंड में इट विल पेयर द गट एंड उसके बाद उसमें होगा मियोसिस एंड मियोसिस सॉरी उसके बाद उसमें जो होगा ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन उससे बनेगा उससे बनेगा क्या बनेगा स्पोरोजॉइड्स और ये सारे स्पोरोजॉइड्स जाके कहाँ पर स्टोर हो जाएंगे इन द सेवरी ग्लैंड ऑफ एनोफिलस मॉस्किटो ठीक है क्या होगा इसमें मल्टीपल फिजन ऊकाई में फिर बाद में क्या होता है बच्चों मल्टीपल मल्टीपल फिजन विच इज़ द टाइप ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन राइट सो लेट्स कहने से यहाँ पर दिस इज दिस इज द फ्लो चार्ट दिस इज टेकन फ्रॉम इन सी आर टी तो इन्फेक्टिव स्पोरोजॉयड जो है सलाइवरी सलाइवरिक्लाइड्स में मॉस्किटो के वो इंजेक्ट कर देता है वो इन द ब्लड ऑफ ह्यूमस ये स्पोरोजॉयड्स पहुँचते हैं लिवर में पहले फिर जो है वो इन्फेक्ट करते हैं लिवर सेल्स को आफ्टर दैट दे रीच दे रीचज़ इन टू आर बी सीज ऑफ ह्यूमन आर बी सीज में जो है वो बनाते हैं मेल एंड फीमेल गैमीज ये मेल एंड फीमेल गैमिट्स पहुंचते हैं फिर मॉस्किटो uh, के बॉडी में जब वो मॉस्किटो बाइट करता है इन्फेक्टेड पर्सन को देन देर इज़ देन देर इज़ फर्टिलाइजेशन ऑफ दिज मेल एंड फीमेल गैमिट्स ओके टू मॉस्कीटोज गट और वो बनाता है मोटाइल जाइगोर दैट इज़ ओकाइनीट फिर ऊकाइनीट में होता है मल्टीपल फिशन फिर बनता है स्पोरोज़ोइड्स विच इज स्टोर्ड इन द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो एंड फाइनली इट इज इंजेक्टेड इन अ न्यू पर्सन ओके जो हो जाता है जो हो जाता है फिर से इंफेक्टेड बाय मलेरिया समझ गए समझ गए चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14 वेर विल यू लुक फॉर स्पोरोज़ोइड्स ऑफ मलेरियल पैरासाइट अगेन रिलेटेड टू मलेरिया अभी इसको आप बहुत अच्छे से जो है आंसर कर सकते हो 100% एक्यूरेसी मुझे मिलेगी लगता है इस क्वेश्चन में अभी हमने जो है डिस्कस किया कहाँ मिलेगा स्पोरोजॉइड्स जल्दी बता दो एबीसीडी कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन जल्दी बता दो जल्दी जल्दी हाँ वेरी नाइस एवरीबडी स्पोरोजॉइड्स कहाँ मिलेगा अभी हमने देखा लाइफ साइकल ऑफ प्लास्मोडियम ओके सो करेक्ट ऑप्शन बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर्टीन के लिए होगा डी सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो बच्चों करेक्ट ऑप्शन क्या होगा डी 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 अभी हमने देखा यहाँ पर देखो सलाइवरी ग्लैंड्स में होता है ना स्पोरोजॉइट्स राइट right? करेक्ट तो ऑप्शन क्या होगा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा डी ठीक है कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों आर में हमें नहीं दिखेगा स्पोरोजॉयड क्योंकि वो सबसे पहले इन्फेक्ट करेगा लिवर में जाके स्प्लीन में भी नहीं सलाइवरिक ग्लैंड ऑफ फीमेल फ्रेशली मोल्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो में भी नहीं दिखेगा बच्चों बट इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो के सलाइवा में जो होगा स्पोरोजॉयड तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों डी जल्दी से बच... जल्दी से जो है कुकड़ों को कु करने लगो ओके चलिए बताइए कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है एंड कितने बच्चों ने गलत आंसर किया है जिसका गलत आंसर किया है वो अपने आप से मुर्गा बन जाएगा और एरर फाइल में लिख लेगा दैट इज मोर इंपॉर्टेंट सो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ऑन योर स्क्रीन बच्चों हाँ प्लीज पूछ सकते हो आप सभी क्वेश्चन एट विच स्टेज ऑफ एच आई वी इन्फेक्शन डज वन यूजअली शो सिम्टम्स ऑफ एड्स एच आई वी इन्फेक्शन के कौन से स्टेज में ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे सो so, कौन से स्टेज में एच आई वी इन्फेक्शन के सिम्टम्स शो होंगे एड्स के ठीक है चलो बच्चों इसके लिए इसके लिए आप जो है केमिस्ट्री टीचर से पूछ सकते हो इसके लिए आप केमिस्ट्री टीचर से जो है पूछ सकते हो प्रिंस सिंह ये क्वेश्चन सो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का आंसर आप बताइए क्या होगा एबीसी आंसर को मैं जो है एक्सप्लेन कर सकती हूँ सो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इज बच्चो बी इज बी When HIV replicates rapidly in helper T हेल्पर आपको पता है कि HIV आई वी जो वायरस है बच्चों ये सबसे पहले इन्फेक्ट करता है लिवर सॉरी माइक्रोफेजस को एंड उसके बाद जो है वो इन्फेक्ट करता है टी लिम्फोसाइट को तो जब वो रैपिडली हेल्पर टी लिम्फोसाइट को जो है अटैक करता है और वो हो जाता है डैमेज उसके बाद आपको नजर आएगा सिम्टम्स ऑफ एच आई वी इन्फेक्शन और यू कैन से सिम्टम्स ऑफ एड्स अंडरस्टूड वरी वन सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों बी समझ गए सभी बच्चे ओके वेरी नाइस वेरी नाइस एवरी वन सो करेक्ट ऑप्शन था बी एंड जिन भी बच्चों ने गलत आंसर दिया था वो लिख लेंगे इसको अपने एरर फाइल में नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन रिंग वॉर्म इन ह्यूम्स इज कॉज बाय बैक्टीरिया फंगाई निमेटो या वायरसेस रिंग कौन कॉस करता है बैक्टीरिया कॉज करेगा फंगाई करेगा निमेटोटा करेगा या वायरसेस करेगा ओके okay? चलो बताओ डी वेरी नाइस वेरी नाइस एवरीबॉडी करेक्ट आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे ओके सो करेक्ट ऑप्शन इज बी इट सेल्फ यस फंगाई जो है वो कॉज करता है रिंग वार्म वेरी गुड क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन पे आ जाते हैं कंसिडर द फॉलोविंग फोर स्टेटमेंट वन एंड फोर रिगार्डिंग किडनी ट्रांसप्लांट एंड सेलेक्ट द टू करेक्ट वन आउट ऑफ दीज चार स्टेटमेंट है आपके पास में रिगार्डिंग किडनी ट्रांसप्लांट और इसको आपको बताना है कि कौन सा है करेक्ट स्टेटमेंट ओके करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं इवन इफ अडनी ट्रांसप्लांट इज प्रॉपर the recipient may need to take immunosuppressant for a long time the cell-mediated immune response is responsible for graft rejection the b lymphocyte are responsible for rejection of graft the acceptance of rejection of a kidney transplant depends on specific interferons though correct statement abcd abcd बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वेरी गुड एवरी बारी वेरी गुड एवरी बारी द करेक्ट ऑप्शन इज डी पहला ऑप्शन जो है वो सही है इम्यूनो सप्रसेंट आपको लेना पड़ता है टू अवॉइड ग्राफ्ट रिजेक्शन ठीक है एंड कैन यू टेल मी कैन यू टेल मी एन एग्जाम्पल ऑफ इम्यूनो सप्रेसेंट जो कि दिया हुआ है एन सी आर टी में ठीक है जो हमने इसके पहले भी कवर किया है जो हमने इसके पहले भी किया है कवर सो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में इसका आंसर दिया हुआ है कौन सा इम्यूनो सप्रेसेंट जो हमें मिलता है माइक्रोब्स से गिवन एन एन सी आर टी ओके एंड यस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन थर्ड वाला गलत है क्योंकि यहाँ पर टी लिम्फोसाइट होगा एंड यस दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग क्योंकि इंटरफेरॉन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं फॉर टिश्यू रिजेक्शन राइट साइक्लोस्पोरिन ए वेरी गुड एवरी वन आई कैन सी बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है हमने डिस्कस भी किया था बच्चों साइक्लोस्पोरिन ए वेरी नाइस ओके ठीक है साइक्लोस्पोरिन ए को हम यूज करते हैं एज इन सप्रेसेंट ड्रग्स वेरी गुड चलिए क्वेश्चन नंबर एटीन पे आ जाते हैं वेरी गुड एवरीबॉडी पढ़ के आए मतलब बच्चे मेरे पढ़ने लगे वेरी नाइस nice. सो द बैक्टीरियम क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम दट कॉज बोटुलिजम यह क्या है ये जो बैक्टीरिया है क्लास्ट्रीडियम बॉटोलिनम यह किस तरह का बैक्टीरिया है एरोबिक है अन एरोबिक है ऑब्लीगेट है या फैकल्टेटिव है दिस इज दिस इज अ दिस इज अ प्रीवियस यर क्वेश्चन चलिए बताइए या सी एफ एम से ड्रीम हेलो वेरी गुड अनमोल चलिए बता दो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर एटीन ए बी सी और डी मिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज क्लोस्टिडियम एरोबिक एरोल्टेटिव या ऑब्लिगेट मेरी क्लास बच्चों मेरी क्लास होती है 1:30 थर्टी पी एम वन थर्टी पी एम ओके वेंसडे थर्सडे एंड फ्राइडे आज कल और परसों होगी डेढ़ बजे मेरी क्लास डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन तो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर एटीन इज बच्चों बी इट इज एन ऑब्लीगेट एन एरोब दिस इज एन ऑब्लीगेट एन एरोबिक बैक्टीरिया दिस इज अ प्रिव्यूसर क्वेश्चन जिसने भी गलत किया है वो लिख लेगा इसको अपने एरर फाइल में और इसको करते रहेगा रिवाइज क्योंकि दिस इज अ प्रिव्यूसर क्वेश्चन और इसके आने की संभावना है आगे ठीक है चलो सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर नाइनटीन लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर नाइनटीन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज

एंड कल हम डिस्कस करने वाले हैं कल हम डिस्कस करने वाले हैं इसी तरह से प्रिविस क्वेश्चन ऑन एवोल्यूशन एबीसीडी बताइए क्या होगा करेक्ट ऑप्शन सो so, करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इज बच्चो सी बेबीसी इज अ प्रोटोजोआ इज अ प्रोटोजोआ सिफिलिस सिफ़िलिस जो है दिस डिजीज इज कॉज बाय अ बैक्टीरिया ट्रिपोनीमा पैलिडम इन्फ्लुएंजा इज़ अ वायरल डिजीज एंड ब्लास्टोमाइकोसिस इज अ फंगल डिजीज इज़ अ फंगल डिजीज अंडरस्टूड एवरीबॉडी बेबी सीओसिस इज अ प्रोटोजोवन डिजीज़ चलिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं दे, दे देती हूँ इसके बारे में क्योंकि ये नहीं दिया हुआ है एन सी आर टी में तो बच्चों बेबी सीओसिस जो है इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन ऑफ आर बी सी ठीक है और इसका जो पैरासाइट होता है वो होता है बेबिसिया जो कि क्या है जो कि एक प्रोटोजोआ है राइट ओके एंड उसका नाम क्या है बेबिसिया माइक्रोटी के और भी जो है स्पीशीज़ है जो इन्फेक्ट करते हैं बट ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने वाला जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है वो है बेबिशिया माइक्रोटी ठीक है एंड ये फैलता है बाय डियर टिक ओके विच इज़ एन आर्थ्रोपोडा विच इज एन आर्थ्रोपोडा ओके समझ गए ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पे आते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग एंडो पेरसाइट्स ऑफ ह्यूमन ड शो वी वी पेरेटी तो ये कौन सा एंडो पेरासाइट ये चार ऑप्शन है आप सभी के सामने जो ह्यूमन्स को इन्फेक्ट करता है वो वी वी पेरस है वी वी पेरस का मतलब है बेटा गिव बर्थ टू यंग वंस ठीक है जो बच्चे देता है और जो अंडे नहीं देता है तो बताइए कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एनसाइलोस्टोमा जियोन लेन एंटेरोस वर्मिक्यूलैरिस ट्रीचिनिस या एस्कैरिस लंबरी कॉइज चलिए बताइए क्या होगा करेक्ट ऑप्शन सी और डी बच्चों हम्म वी, -वी पैरस वीवी पैरस कौन है कौन सा वर्म है नहीं आता कोई बात नहीं मैं बता दूंगी करेक्ट ऑप्शन है बच्चों सी ठीक है क्या है ये यह एक राउंड वो दौसा है राउंड कौन से होते हैं बेटा निमेटोडा सो दिस इज अमेटोडा जो कि क्या है जो कि है वी वी पेरस याद रहेगा सभी बच्चों को याद रखना है ये दिस इज अगेन अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए भूलना नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इन विच डिजीज़ डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉजि क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स ठीक है वो कौन सा डिजीज़ है वो कौन सा डिजीज़ है जो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कॉज करता है लिम्फेटिक वेसल्स का एलिफेंट ऐसि एस्कैर एसिस रिंग वॉर्म डिजीज एंड अमीबियास हेलो सविता गुड आफ्टरनून याद रखोगे ना अनमोल वेरी नाइस चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन का आंसर बताइए बच्चों वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस करेक्ट ऑप्शन इज बच्चों ए देट इज एलिफेंट जिसको वो दैट इज कॉस्ड बाय दैट इज कॉस्ड बाय वू चेरिया वाम राइट वू चेरिया वाम ओके एलिफेंट जिसे हाथी पाव बोला जाता है जो कि होता है वू चेरिया वाम से दो स्पीशीज इसके कॉज करते हैं एलिफेंट एसिज ऑफ टाई एंड मलाय इसकी वजह से होता है क्रोनिक ऑफ लिम्फेटिक वेरी गुड वेरी गुड एवरी वन और अगेन ये किस तरह का वर्म है बच्चो ये है राउंड वर्म दैट इज नि वेरी नाइस बैंक इट इज ऑल्सो नोन एज फिलैरियल वर्म वेरी गुड साहिल हैलो अभिषेक हेलो अलमोल सभी बच्चे बच्चों डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन शेयर द सेशन एंड सब्सक्राइब रेड अपनी चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो

पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट एंड मोनोसाइट ये क्या है बच्चों ये है न्यूट्रोफिल्स ये है न्यूट्रोफिल्स एंटी टेटनस एंड एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शन सलाइवा इन माउथ एंड टीयर्स एंड आई म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथीलियम लाइनिंग दू ऑफ द यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट एंड द एचसीएल इन स्टमक दिस इज अ स्टार क्वेश्चन ऑफ टूडेज सेशन हेलो सक्षम जिसको आ रहा है वेल एंड गुड जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी कन्फ्यूजन है बच्चों इसको अपने एरर फाइल में लिख के नेक्स्ट टाइम जो है आप याद रखोगे सो करेक्ट ऑप्शन इज बच्चों ए करेक्ट ऑप्शन क्या है ए ओके सो बेसिकली न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स दे आर सेल्यूलर बैरियर्स दे आर सेल्यूलर बैरियर्स हेलो आनंद प्रकाश तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा एके याद रखो एंटी टेटनस एंड एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शन बच्चों ये तो है एग्जाम्पल पैसिव इम्यूनिटी का ये है एग्जाम्पल पैसिव इम्यूनिटी का और वो भी आर्टिफिशियल वो भी आर्टिफिशियल समझे समझ गए सभी बच्चे एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं ध्यान से सुनिए सभी कि मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स ये क्या है ये फेगोसाइटिक्स सेल है जो करते हैं फेगोसाइटोस वो एंटीजन को बैक्टीरिया को या डेड सेल्स को कर लेते हैं एनगल्फ और ये है टाइप ऑफ सेल्यूलर बैरियर्स एंटी टेटनस एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शन ये है इम्यूनिटी के सलाइवा इन माउथ एंड टीयर्स इन आई ओके दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल बैरियर्स एंड म्यूकस कोटिंग एंड एपिथीलियम लाइनिंग जो है बच्चों ये है फिजिकल बैरियर्स के एग्जाम्पल राइट एंड यह क्या है फिजियोलॉजिकल बैरियर के एग्जाम्पल्स याद रहेगा ना अभी सबको हेलो फ्रीडम हेलो रियल गेमिंग नंदिनी अंडरस्टूड एवरीबडी ओके क्या है करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन था बच्चों ए यस yes. लाइक like कर दो सेशन सभी बच्चे प्लीज ना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री ऑन योर स्क्रीन द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका फीड अपॉन जो एक्टिव फॉर्म है एंटामीबा हिस्टोलिटिका का वो किस आ, किस पे फीड करता है एरिथ्रोसाइट्स पे म्यूकोसा में सब म्यूकोसा को में जो प्रेजेंट है फूड उस पर फीड करता है या ब्लड पे फीड करता है क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री के लिए चार ऑप्शन है आप सभी के सामने फटाफट बताइए क्या होगा करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन प्रोवि क्वेश्चन सारे ही क्वेश्चन एक्चुअली प्रोविशर क्वेश्चन है कोई भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे आज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के एंड सब पढ़ लेंगे ठीक है इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा ठीक है पी डी एफ में मिल जाएगा आपको ग्रेडअप नीट के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे या डॉक्टर प्रियंका डे के टेलीग्राम चैनल पे सो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री इज यस ए यस ए इट फीड्स ऑन एरिथ्रोसाइट्स म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ कोलॉन जिसके वजह से होता है अल्सर्स बच्चों जिसके वजह से हो सकता है अल्सर्स ओके यस न्यू स्टूडेंट्स मनोज प्लीज बच्चा डोंट फॉरगेट टू ई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन ओके चले तो करेक्ट ऑप्शन था बच्चों ए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर माल्ट एन सी आर टी का लाइन है ये तो एन सी आर टी लाइन माल्ट या म्यूकोसा एसोसिएटेड लिंफॉयड टिश्यू कॉन्स्टिट्यूट अबाउट डैश परसेंटेज ऑफ लिंफॉइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी एन अगर आपने पढ़ा है बिल्कुल ध्यान से तो आप बताएंगे करेक्ट ऑप्शन थर्टी क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस एवरी वन करेक्ट ऑप्शन है बच्चों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर का डी डी फॉर डॉक्टर बनना है ना सभी को फ्यूचर डॉक्टर वेरी नाइस तो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों डी फिफ्टी परसेंट माल्ट जो है वो कंस्टिट्यूट करता है 50% परसेंट आपके सारे लिम्फोइड टिश्यू का सो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू वेरी नाइस एवरीवन चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव पे आ जाते हैं इसी बात पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स पॉजिटिव एजेंट एच आई वी के लिए कौन सा स्टेटमेंट है सही इसके लिए आपको पता होना चाहिए एच वायरस का स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वाले स्लाइड में बट पहले इसका आंसर करिए ओके सो एचआईवी इज एनवेलप्ड वायरस कंटेनिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम या इट इज एन अनएनवेलप्ड रेट्रोवायरस एंड इट डज नॉट एस्केप बट अटैक एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी बच्चो बी ठीक है तो सभी गलत जवाब देने वाले बच्चे बन जाएंगे मुर्गा या मुर्गी एंड लिख लेंगे इसको अपने एरर फाइल में ठीक है सो so, एच एक एनवलप्ड वायरस है जिसमें दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आर के एंड टू मॉलिक्यूल्स होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजायम के नहीं समझ में आया तो यहाँ पर इस डायग्राम को आप देखोगे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एच आई वी वायरस ये एच आई वी वायरस का जो है स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे देखिए अंदर आपको नज़र आ रहा है अंदर आप देखोगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के दो मॉलिक्यूल है यहाँ पर और यहाँ पर एंड जो है दो सिंगल स्टैंडर्ड आ है तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा अगेन बी ओके okay? समझ गए ना सभी बच्चे अब चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज ये हमने पहले भी डिस्कस किया है जो बच्चे मेरे सेशंस रेगुलरली अटेंड करते हैं उनको याद आएगा कि कौन सा जो है कौन सा जो डिजीज है वो ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है सोरियासिस ह्यूमेटॉइड आर्थराइटिस अल्जाइमर्स डिजीज या विजलेगो ओके okay. कोई बात नहीं समरीना बच्चे अगर आपने अभी ज्वाइन किया है आप वापस से जो है इस वीडियो को रिवॉच कर सकते हो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मिस हो गए हम लोग टोटल थर्टी इस डिजीज के जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से जो है डिस्कस करने वाले हैं सारे ही है हमारे हैं सारे ही है हमारे प्रिवि क्वेश्चन एंड यस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी बच्चों सी ठीक है, दैट इज अल्जाइमर्स डिजीज क्या होता है बच्चों अल्जाइमर्स डिजीज में इसमें हो जाता है ओल्ड एज में मेमोरी लॉस ओके मेमोरी लॉस हो जाता है एंड यू ये क्यों होता है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ एसिटाइल कोलिन ये एसिटाइल कोलिन जो न्यूरो है उसके डेफिशिएंसी के वजह से हो जाता है ऐसे ए आपको याद रखना है इसी बात पे मैं एक और क्वेश्चन आप सभी से पूछूंगी क्या आपको याद है क्या आपको याद है डिजीज पार्किंसन्स ओके सो पार्किंसन्स डिजीज का कॉज क्या है जल्दी बताओ मुझे ये भी कुछ इसी तरह का डिजीज है इन द चैट वॉट इज द वॉट इज द कॉज ऑफ पार्किंसन्स डिजीज जल्दी बता दीजिए कमॉन फास्ट 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 सो करेक्ट तो अब डोपामिन वेरी गुड मंजीत तो बच्चों पार्किंसंस डिजीज ओके इट इज अगेन अ डिजीज विच इज ड्यू टू डेफिशियंसी ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामिन ओके सो डोपामिन के डेफिशियंसी की वजह से होता है पार्किंसन्स डिजीज वेरी नाइस एवरी वन चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन पे आ जाते हैं विच ऑफ द डिजीज इज अ पेयर ऑफ वायरल डिजीज वायरल डिजीज़ कौन सा है रिंग एड्स कॉमन कोल्ड एड्स डिसेंट्री, कॉमन कोल्ड टाइफाइड एंड ट्यूबर जल्दी बता दीजिए अच्छा 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 आपको ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन में अगर डिफिकल्टी चले देख लेते हैं आपके सारे कन्फ्यूजन हम दूर कर देते हैं बच्चों एच आई वी डज नॉट एस्केप बट अटैक्स द एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स बच्चों एच आई वी एच आई वी जो इन्फेक्शन है वो किसको अटैक करता है ये अटैक करता है आपके टी टीलिम्फोसाइट को ये टी लिम्फोसाइट को जो है अटैक करता है एंड यस टी टीलिम्फोसाइट इज अ पार्ट ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स सो यस यू कैन से दिस इज ऑल्सो करेक्ट यस राइट चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन का भी आंसर करिए मेरे सामने विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ वायरल डिजीज सो वेरी सिंपल क्वेश्चन कॉमन कोल्ड एंड एड्स आर द टू वायरल डिजीज वेरी नाइस बच्चों चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट टेस्ट इज कैरीड आउट टू टेस्ट बहुत ही सिंपल सा ईयर क्वेश्चन विडाल टेस्ट जो है हम कौन से डिजीज को कौन से डिजीज को डायग्नोस करने के लिए यूज करते हैं मलेरिया डायबिटीज मलाइटिस एच एड्स या टाइफॉइड फीवर सो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट इज बच्चों डी टाइफॉइड वेरी नाइस टाइफॉइड को डायग्नोस करने के लिए हम यूज करते हैं टेस्ट वेरी नाइस वेरी नाइस ना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग डस डस्टिट्यूट द लार्जेस्ट परसेंटेज इन ह्यूमन मिल्क ह्यूमन मिल्क में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज कौन से होते हैं आई जी डी आई जी एम आई जी ए आई जी जी ये तो स्टार क्वेश्चन है बार बार पूछा जाता है ये नीच में यस बच्चों वेरी सिंपल आंसर द करेक्ट ऑप्शन इज आई जी ए हमारे बॉडी के सारे सिक्रीशन में जो बच्चे आ, मेरा लेक्चर्स यूजुअली अटेंड करते हैं उन सभी को पता है मैं बार बार चीख चीख के ये बोलती हूँ कि आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन या आईजीए एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी के सारे सिक्रीशन में होता है चाहे वो चाहे वो मिल्क है चाहे वो टीयर है चाहे वो सलाइवा है चाहे वो आ, हमारे जी के जूसेस है करेक्ट ऑप्शन विल बी आई वेरी नाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी बच्चों लास्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है और इस लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले लाइक like जरूर कर दो सेशन को शेयर जरूर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो ग्रेड अप नीट चैनल को टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय स्पीशीज ऑफ बहुत ही सिंपल आंसर आई वांट हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी फॉर दिस क्वेश्चन इसी तरह से हम कल भी जो है इवोल्यूशन इवोल्यूशन चैप्टर का प्रिवसियर क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे फ्राइडे को होगा मिन्टी सेशन मिन्टी क्विज मिन्टी क्विज का क्या टॉपिक होगा वो मैं आपको बताऊँगी कल ठीक है तो बिल्कुल नहीं भूलना है वन थर्टी पी एम मैडम का क्लास होगा जरूर अटेंड करना करेक्ट ऑप्शन पर क्वेश्चन नंबर थर्टी इज सालम्मोनेला सो सालमोनेला टाइफाइड या सालमोनेला टाइफम्यूरियम इज द बैक्टीरिया दैट कॉजेज टाइफाइड फीवर एंड दिस इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन राइट दिस इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन वेरी नाइस एवरी वन सभी बच्चे अपना अपना स्कोर जो है मेरे साथ शेयर कर सकते हैं लेट्स सी कितने बच्चों ने कितना जो है स्कोर किया है जल्दी जल्दी बताओ जल्दी जल्दी, जल्दी बताइए अपने अपने स्कोर मैडम को एंड कल भी आना है कल भी आना है कल भी आना है कल डेढ़ बजे सेशन ज़रूर जो है अटेंड करना है एंड फ्राइडे को क्विज का टॉपिक मैं आपको कल बता दूंगी ठीक है सो दैट वाज इट फॉर टुडे होप एवरीबॉडी हैव एंजॉयड दिस सेशन सारे नए स्टूडेंट सारे मेरे पुराने स्टूडेंट्स आप सभी ने एन्जॉय किया होगा सेशन वेरी नाइस एवरी अरे वाह वाह बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन गलत, गलत किया है कुछ बच्चों ने दो क्वेश्चन गलत किया है कोई बात नहीं बच्चों एंड साहिल के तो तीस के तीस क्वेश्चन सही है वेरी नाइस ठीक है चलिए बाय बाय एवरीबॉडी टेक केयर सी यू टूम थर्टी पी एम एंड यस टेक केयर एवरी वन सभी अपना अपना ध्यान रखेंगे ज्यादा बाहर मत निकलो जरूरी है तभी निकलो ओके प्लीज ब्रेक द चेन